नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं भोजपुरी के गायक और नायक प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में, जो कि दो बीवियों की कहानी आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय के बारे में, जो कि प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय की सुपर हिट जोड़ी मानी जाती है और इन दोनों की जोड़ी बहुत सारा हिट गाना दिया है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय लगभग 10 साल से एक साथ रहते थे और बताया भी जा रहा है कि प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय 10 साल पहले शादी भी रचाए थे बखौरापुर में, और बताया जा रहा है कि इन दोनों के तन से एक लड़की भी हुई थी, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि यह लड़की किसी और की है। हालांकि अंदर की सच्चाई क्या है क्या नहीं ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन आप सभी को बताना चाहता अब प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय में दरार आ गया है। अब चलिए आप सभी को बताना चाहता हूँ इन दोनों में कैसे विवाद हो गया है और इन दोनों का मामला थाने और कोर्ट तक कैसे चला गया है। हाल ही में प्रमोद प्रेमी यादव यानी एक महीने पहले प्रमोद प्रेमी यादव ने खुलासा करते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं और बीवी भी है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं फोटो। और इसी फोटो को देखकर प्रियंका राय के अंदर लहर उड़ जाता है और प्रियंका राय गुस्से में आकर प्रमोद प्रेमी यादव के ऊपर FIR दर्ज कर देती हैं, बहुत सारा आरोप लगाती हैं, यानी यौन शोषण का आरोप भी लगाती हैं प्रियंका राय। और आप सभी को बताना चाहता हूँ प्रियंका राय द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है उद्वंत नगर थाना भोजपुर आरा में, और प्रियंका राय ने बहुत सारा सबूत भी दिखाया है कि मैं प्रमोद प्रेमी की पत्नी हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं अर्धांगिनी लिखा हुआ है आधार कार्ड पे, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा दो बीवियों की कहानी और आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये मामला थाना और कोर्ट तक चला गया है। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत है, हमें नीचे कमेंट में आप लोग भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।